गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.4 करवाएंगे। सभी बच्चे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड 62,473 जीन्स इन 2015 एंड 36,425 जीन्स इन 2016। हाउ मैनी जीन्स डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड इन 2 ईयर्स। आपको बताया गया, सभी बच्चे ध्यान दें कि एक फैक्ट्री है बेटा, वो 2015 में इतनी जीन्स बनाती है यानी निर्मित करती है, 2016 में वही फैक्ट्री इतनी जीन्स निर्मित करती है। आपको बताना है कि 2 साल में उस फैक्ट्री ने कितनी जीन्स निर्मित की, यानी कि कितनी उस फैक्ट्री के द्वारा जीन्स निर्मित की गई। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट लिखनी है। कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड जीन्स इन 2015 62,473, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड जीन्स इन 2016 36,425, टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड जीन्स इन 2 ईयर्स। बेटा यहाँ मैंने आपको ऐड करके नहीं दिखाया, ऐड आप स्वयं करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट मैंने आपको लिखकर समझा दी। आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5,725 चिल्ड्रन विजिटेड एन एक्सहिबिशंस ऑन संडे, 15,700 मैन एंड 14,625 वीमेन ऑल्सो विजिटेड द एक्सहिबिशंस ऑन द सेम डे, हाउ मैनी पीपल इन ऑल विजिटेड द एक्सहिबिशंस। आपको बताना है इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान दें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। देखिए, रविवार को 5,725 बच्चे प्रदर्शनी का दौरा करते हैं, 15,700 पुरुष, 14,625 महिलाएं भी उसी दिन प्रदर्शनी का दौरा करते हैं। आपको बताना है कि सभी लोगों में से कितने प्रदर्शनी का दौरा करते हैं या कितने लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया। ठीक है बेटा, सभी ध्यान दे। अब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, विजिटेड एन एक्सहिबिशंस ऑन संडे बाय चिल्ड्रन, यानी कि संडे के दिन बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी का दौरा किया गया। कितने बच्चों का, 5,725। विजिटेड द एन एक्सहिबिशंस ऑन सेम डे बाय मैन, पुरुषों के द्वारा उसी दिन प्रदर्शनी का दौरा किया गया, 15,700। विजिटेड द एक्सहिबिशंस ऑन सेम डे बाय वीमेन, महिलाओं के द्वारा उसी दिन प्रदर्शनी का दौरा किया गया, 14,625। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द एक्सहिबिशंस, आपको बताना है कि यहाँ उस दिन टोटल कितने लोगों ने, जिन्होंने प्रदर्शनी का दौरा किया, उनको आपको टोटल करके यहाँ ऐड करना। बेटा यहाँ मैंने ऐड नहीं किया, ऐड आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक्स में इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको इसकी हिंदी समझा देती हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, सभी ध्यान दें क्या पूछा गया है। एक बुक शॉप में, यानी कि एक बुक शॉप है, उसमें 565 नोटबुक थी। ठीक है बेटा, और न्यू सेशन में, यानी कि नए स्तर के लिए उन्होंने 5,250 अधिक नोटबुक के लिए आदेश दिया। आपको बताना है कि अब बुक शॉप में कितनी नोटबुक है। क्वेश्चन नंबर 3 सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में आपको नहीं बोल रही, इंग्लिश में आपकी बुक में दिया गया है, मैं आपको इसकी हिंदी समझा रही हूँ कि इसमें करना क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सैम ने एक टीवी 45,575 रुपये में ख़रीदा, उन्होंने 25,615 रुपये में एक फ्रीज भी ख़रीदा,
तो आपको बताना है कि उसने सभी में कितना पैसा खर्च किया। यानी कि सैम ने एक टीवी ख़रीदा है 45,575 का, और एक फ्रीज भी ख़रीदा है 25,615 का। इन दोनों को आप टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो उसका टोटल जो खर्च होगा, जितना उसने खर्च किया इन दोनों चीज़ों को ख़रीदने में, वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक किसान है बेटा, 10,545 किलोग्राम वह आलू बेचता है, 11,275 किलोग्राम वह प्याज बेचता है, 10,025 किलोग्राम वह टमाटर बेचता है। तो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स ही सोल्ड। तो आपको बताना है कि बेची गई सब्जियों का कुल वज़न क्या है। अब क्या करेंगे इसमें, जो फार्मर जिन जैसे इतने उसने पोटैटोज़ यानी कि उसने आलू बेचे, प्याज बेचे इतने किलोग्राम, उसने टमाटर इतने किलोग्राम बेचे, तो इन तीनों को आप टोटल कर देंगे और जितने उसने सब्जी बेची वो आपका आंसर आ जाएगा। बेटा आप कोशिश करना कि आप स्टेटमेंट स्वयं लिखें। यदि आप स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लिखनी नहीं आ रही है, ठीक है, आपको जैसी भी लिखनी आ रही है कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको नहीं लिखने आ रही तो जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उसको टोटल ज़रूर कर लीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी कॉपियाँ चेक करूँगी तो जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। लेकिन आप कोशिश करना, दो की मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, तीन क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, इसमें क्या करना है आपको, ये तीन क्वेश्चन स्वयं करने हैं। ओके।